कैसे होगा कलयुग का अंत और कैसे खत्म होगा कलयुग, जानकर आप हैरान रह जाओगे कि कलयुग के अंत में कैसी होंगी महिलाओं की हालत। दोस्तों, कलयुग की बात, पांचवा कौन सा युग आएगा क्या आप जानते? कहां और कब जन्म लेंगे भगवान विष्णु अपना 11वां कल की अवतार? दोस्तों चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ में चार युग का जिक्र किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इसमें से क्या आप जानते हैं सबसे श्रापित यानी कि सबसे खराब युग कौन सा है और ये युग में कैसी कैसी आफत का सामना करना पड़ेगा? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। तो दोस्तों, पौराणिक ग्रंथ के अनुसार चार युग में से सबसे श्रापित और खराब युग कलयुग को माना गया है और हम जिस युग में जी रहे वो कलयुग ही है। और ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिन प्रतिदिन कलयुग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वैसे कलयुग के बारे में ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। दोस्तों, कौवा मोती खाएगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया गया है और यकीनन इसे जानने के बाद आप भी कलयुग को श्रापित युग मानने लगेंगे। दोस्तों, क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई हम आपको बताएं उससे पहले आइए बाकी तीनों युगों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। सतयुग यानी सत्य का युग। दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग है जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है। पुराणों में सतयुग की कलाविधि 17,28,000 साल बताई गई है। सतयुग में प्रतीकात्मक रूप से धर्म के चार स्तंभ थे, तप, सत्य, शुद्धि और दया। आप इन्हें धर्म के चार पैर भी कह सकते हैं। इस समय इंसानों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी, यानी जरा सोच कर देखिए कि उस समय का इंसान लगभग 21 हाथ जितना लंबा होता था। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। उस समय का इंसान 10,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा शून्य होती थी, यानी पाप क्या होता है वो सतयुग के लोगों को पता तक नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था, यानी कि सतयुग में जितने भी लोग थे सबके सब पुण्यात्मा थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में सदा सत्य के मार्ग पर चले थे। यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र भी सतयुग के समय ही हुए थे, त्रेता युग या फिर रजत युग। दोस्तों, सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेता युग को कहा जाता है। इस युग की कालाविधि 12,96,000 वर्ष थी। इस युग को रजत युग और बहुत से लोग सिल्वर एज के नाम से भी जानते हैं। इस युग में धर्म के सिर्फ तीन स्तंभ थे, सत्य, शुद्धि और दया। दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ तप सत्य के अंत में ही घट गया था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर, और आयु लगभग 10,000 वर्ष थी। त्रेता युग तक समाज वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण अस्तित्व में आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या की भावना ने घर कर लिया था। इसलिए त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। जहां इस युग में भगवान विष्णु अपने वामन और राम अवतार में अवतरित हुए थे, तो वहीं इस युग में बाली और रावण जैसे महान राक्षस भी हुए। बाली जिन्होंने भगवान वामन को पूरी धरती दान में दे दी थी, तो वही रावण जिसने माता सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर युग। दोस्तों, सनातन धर्म का तीसरा युग द्वापर युग को माना जाता है। इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष थी। धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्धि त्रेता युग के अंत में समाप्त हो गया था, इसलिए इस युग में धर्म के केवल दो स्तंभ ही बचे थे और वो थे सत्य और दया। इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट रह गई थी, यानी लगभग 7 हाथ जितना, और उम्र घटकर 1,000 वर्ष रह गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं जन्म ले चुकी थी। इस वजह से इस युग में पाप की मात्रा भी बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो गई थी। यानी इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। हालांकि द्वापर युग में ही इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत हुआ था, जिसमें एक स्त्री को भरे समाज में लज्जित किया गया था।
अधर्म को बढ़ता देखकर इस युग में भगवान विष्णु अपने श्री कृष्ण अवतार में अवतरित हुए थे और धर्म की स्थापना के लिए महाभारत के महायुद्ध में पांडवों का साथ दिया था। साथ ही साथ इस युग में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण मानव समाज को धर्म के महत्व से परिचित कराया था। कलयुग। दोस्तों, सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग है कलयुग। पुराण में कलयुग की कालावधि 4,32,000 साल बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुग ही है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के मुताबिक अभी कलयुग के 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी 4,27,000 साल बचे हुए। इस युग में धर्म का सिर्फ एक ही स्तंभ दया बचा है, जो कि इस युग के अंत तक समाप्त हो जाएगा। वहीं इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% बताई गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि पुण्य की ये मात्रा कलयुग के अंत तक घटकर शून्य हो जाएगी। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है, यानी लगभग 3.5 हाथ, और उम्र 80 से 90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु घटती जाएगी और अंत में मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 से 30 साल रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। कम उम्र में ही बच्चों की आंखों पर चश्मे और बालों में सफेदी छा जाएगी। हर इंसान रोग से परेशान होगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। कलयुग में हर कोई चिंताओं से घिरा रहेगा। कलयुग के अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। जिसके पास पैसा होगा, स्त्रियां उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी, और जो दहेज देगा उनके घर ही स्त्रियों का विवाह होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा। रिश्तों का महत्व नहीं रहेगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास किस चिड़िया का नाम है वो तो लोग भूल ही जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। ऐसे ही लोग विद्वान और धर्मात्मा कहलाएंगे और ऐसे ही लोग समाज में पूजे जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस तरह से धरती पर धर्म और पाप बढ़ रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी बातें सच होती नजर आ रही है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग के अंत में धरती के एक हिस्से में जहाँ लोग बाढ़ से तबाह हो रहे होंगे, तो भाई दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूखती चली जाएंगी। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस कलयुग में पद्मा और सरस्वती नदी का विलुप्त पहले ही हो चुका है। अब एकमात्र सिर्फ गंगा बची है, ये भी कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएगी। जिसके बाद पानी की कमी की वजह से धरती फटने लगेगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस कर अपने प्राण त्यागने लगेंगे। उस समय धरती पर चारों ओर सिर्फ अधर्म का बोलबाला होगा। लोगों के हृदय से दया भाव समाप्त हो गया होगा। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और खाने के एक एक दाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं कतराएंगे। कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा। तब धरती पर दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का ये कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उस समय वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे। उनके एक हाथ में तलवार होगी तो वहीं उनके दूसरे हाथ में तीर कमान होगा। धर्म ग्रंथों के मुताबिक जिस तरह त्रेता युग में भगवान विष्णु के बैकुंठ लौट जाने के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में भगवान कल्कि पापियों का संहार करके बैकुंठ लौट जाएंगे, तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तब एक बार फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी, जो कि सतयुग होगा। दोस्तों, ये थी कलयुग की असली सच्चाई। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।